चुनाव आने वाला है। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितनी सीट आएंगी इस बार? कितनों को लगता है 50 आएंगी, 60 आएंगी, 70 आएंगी? इस बार ये 3 सीट भी नहीं छोड़नी इनकी। दोस्तों, आज आपके बीच में आने के 2 मकसद हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने इस देश की तकदीर और इस देश की दिशा बदलने का काम किया, इस देश की राजनीति बदलने का काम किया है। भारत मां को आप सब लोगों के ऊपर गर्व है। आज मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। किस लिए? आज से 5 साल पहले जब हम चुनाव लड़ने के लिए निकले थे, किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि हमारी पार्टी जीतेगी। सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है। हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसे नहीं थे, ये आप लोगों का खून पसीना था, आप लोगों की कड़ी मेहनत थी। आप लोग घर घर गए थे, आप में से बहुत सारे लोगों ने नौकरियां छोड़ी थी, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने 3-3 4-4 महीने की छुट्टी ली थी। उस वजह से हम ईमानदारी से चुनाव लड़ पाए थे और उस वजह से दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीट आई थी और अपनी सरकार बनी थी दोस्तों। और उससे शुरू हुई थी इस देश के अंदर राजनीति बदलने की एक शुरुआत। आप यह सोच के देखो, आज दिल्ली के अंदर पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली मिल रही है। अगर पिछले चुनाव हम लोग बिजली कंपनियों से चंदा लेके चुनाव लड़ते, अगर पिछले चुनाव में बिजली कंपनियों से चंदा ले लेते और चुनाव लड़ते, भाई साहब चुनाव जीतने के बाद मेरी हिम्मत नहीं होती बिजली कंपनियों को कहने की कि बिजली के दाम कम करो। आज मैं छाती चौड़ी करके बिजली कंपनियों को कहता हूं, खबरदार जो तुमने बिजली के दाम बढ़ाए। आज मैं छाती चौड़ी करके कह सकता हूं, क्योंकि मैंने इनसे चंदा नहीं ले रखा, मैं इनका गुलाम नहीं हूं। दूसरी पार्टी वाले इनसे चंदा लेके चुनाव लड़ते हैं, हम आपके दम पे चुनाव लड़ते हैं, जनता के दम पे चुनाव लड़ते हैं। आपने हमको, आपने चुनाव लड़ाया, आपने अपना शरीर गलाया, आपने चंदा दिया, आपने छुट्टी ली, इसलिए चुनाव के बाद आके आप मेरे से पूछते हो, केजरीवाल जी बिजली के दाम कब कम होएंगे? और अगर मैं उनसे चंदा लेके करता तो बिजली वाले आके, बिजली कंपनी वाले आके पूछते, केजरीवाल जी बिजली के दाम कब बढ़ेंगे? है कि नहीं है? ये एक उदाहरण दिया है, ये उदाहरण सारी चीजों पे लागू होता है। अगर हम मान लो प्राइवेट स्कूल वालों से चंदा लेके चुनाव लड़ते, भाई साहब चुनाव के बाद इन प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक करने की हिम्मत नहीं होती हमारी। आज दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल वालों की फीस नहीं बढ़ने दी हम लोगों ने। तो दोस्तों, ये जो आप लोगों ने राजनीति बदलने का काम शुरू किया, इसकी मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। आपने मां भारती का सीना चौड़ा किया, आपकी सरकार ने आपका सीना चौड़ा किया 5 साल के अंदर। आज पूरी दिल्ली के अंदर जब आपस में लोग बात करते हैं, कोई कह दे मैं आम आदमी पार्टी का हूं, जनता उसको इज्जत की नजर से देखती है, आम आदमी पार्टी है कि नहीं है? इज्जत की नजर से देखते हैं, यह आम आदमी पार्टी का है। आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी की सरकार ने आपका सीना चौड़ा किया और आप लोगों ने मां भारती का सीना चौड़ा किया है दोस्त। इतने काम। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये 200 यूनिट बिजली फ्री हो गई, जनता खुश है नहीं है? बम बम हो रही है नहीं हो रही? ये तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं बुजुर्ग खुश है नहीं है? ये मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं खुश है नहीं है? सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं खुश है नहीं है?
ये इतने गलियां बन गई, नालियां बन गई, सीवर लग गए, पानी की पाइपलाइन लग गई, कुछ नहीं है अभी, और भी कई काम रह गए। जैसे गोपाल जी कह रहे थे, पता नहीं इतने काम करा दिए, इतने काम करा दिए, पहली बार कोई पार्टी है चौराहे के ऊपर खड़े होकर जनता से पूछती है, भैया कोई काम कराया हो तो वोट देना, और जनता अपने आप लिस्ट गिनाना चालू कर देती है, ये भी कर दिया। सबके लिए करे, ऑटो वालों के लिए करे, टैक्सी वालों के लिए करे, बुजुर्गों के लिए करे, औरतों के लिए करे, और भाई साहब ऐसे ऐसे काम करे जो पूरी दुनिया में, भारत तो छोड़ो पूरी दुनिया के 4000 साल के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुए। कैसे नहीं हुए? इतने बड़े स्तर के ऊपर दिल्ली में अभी 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, 3 लाख। दुनिया के इतिहास में किसी शहर में, भारत भारत तो छोड़ो, भारत में तो लगे ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी शहर में एक साल के अंदर 3 लाख सीसीटीवी कैमरे कहीं नहीं लगे। अब 2 लाख स्ट्रीट लाइट लगने जा रही है, 15 नवंबर से लागू चालू हो जाएगी। पूरी दुनिया के किसी शहर में 2 लाख स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं लगी भाई साहब, एक साल के अंदर। 2 लाख तो छोड़ो, न्यूयॉर्क के अंदर तो टोटल 1.5 लाख स्ट्रीट लाइट है, दिल्ली में 2 लाख और लगने जा रही है। 2 लाख स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं लगी। अभी दिसंबर तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो जाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर 1000 डिस्पेंसरी किसी शहर में कहीं नहीं लग बनी एक साथ। अभी 22000 कमरे हमने स्कूलों में बना दिए, 5 साल में पूरे देश में जितनी सरकारें हैं और केंद्र सरकार और सारी बीजेपी की, कांग्रेस की, फलानी ढिमकी, सारे पूरे देश के क्लासरूम बना लो, दिल्ली में 22000 क्लासरूम बने, पूरे देश में मिला के इतने क्लासरूम नहीं बने 5 साल के अंदर। तो दोस्तों, आपकी सरकार ने आपका सीना चौड़ा कर दिया, आप गर्व के साथ कह सकते हो कि मैंने मेहनत की थी, वो मेहनत रंग लाई है। दोस्तों, एक कार्यकर्ता आया मेरे पास, बोला जी ये तो सबके लिए ही हुआ, मेरे को क्या मिला। मैं सोच रहा था अगर भगत सिंह भी ये सोचता कि आजादी तो सबको ही मिलेगी, मैं क्यों सूली पे चढ़ूं। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आम आदमी पार्टी आजादी की दूसरी लड़ाई है, और हर रोज हमारी परीक्षा होती है, हर रोज, हर रोज हमारे विरोधी, उनको ये लगता है अब तो आम आदमी पार्टी खत्म। पिछले 5 साल में क्या, पिछले 7 साल में जब से अन्ना आंदोलन चालू हुआ तब से रोज खड़े हो, अब तो ये खत्म हो गए, अब तो ये खत्म हो गए, अब तो ये खत्म हो गए। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाले की कृपा है, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं, ऊपर वाला साथ है। ये रोज सोचते हैं ये खत्म हो गए, लेकिन आज तक कभी खत्म नहीं हुए, ऊपर वाला फिर जिंदा कर देता हम लोगों को। तो दोस्तों, अगर कभी मन के अंदर ये कमजोरी आए, मैं बार बार कह रहा हूं, पद और प्रतिष्ठा की कभी भी, पद पैसा और प्रतिष्ठा की कभी, अन्ना हजारे जी कहते थे ना, अपमान पीने की शक्ति होनी चाहिए, कहते थे कि नहीं कहते थे? इसका क्या मतलब है? मैंने एक दिन अन्ना जी से पूछा, मैंने कहा अन्ना जी इसका क्या मतलब है? अन्ना जी बोले, अगर आपका व्यक्तिगत कोई अपमान करे, एमएलए ने कुछ कह दिया, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ने कुछ कह दिया, फलाने ने कुछ कह दिया, इसने कुछ कह, बोलो उसको पी जाओ। अगर हमें पब्लिक लाइफ में रहना है तो 100 लोग 100 बात करेंगे। आप लोग देखते हो रोज मेरे को कितनी गालियां पड़ती है, चारों तरफ से इतनी गालियां पड़ती है, मैं अगर दिल पे लेना चालू कर दूं, 24 घंटे में डिप्रेशन में चला जाऊंगा मैं। मेरे पास कई कार्यकर्ता आते हैं, फलाने ने कह दिया जी, मेरा मान सम्मान खराब हो गया जी, फलाने ने कह दिया जी। पब्लिक लाइफ में अपना मान सम्मान कुछ नहीं होता, अपने मान सम्मान, अगर मेरा मान सम्मान खराब हो गया, रात को सो जाओ आंख बंद करके उसको खत्म कर दो। देश का मान सम्मान अगर खराब हो, अपनी जान दे दो उसके लिए, देश के मान सम्मान।
अपने देश के लिए, अपनी दिल्ली के लिए, अपने लोगों के मान सम्मान के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार। अपना मान सम्मान कुछ नहीं है, यह बहुत जरूरी है। रोज होता है, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी, मैं ये नहीं कह रहा, हम सारे इंसान हैं, फील भी होता है, तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, उसको पीने की आदत डालनी पड़ेगी। तो अगर कोई किसी को लगता है मेरे को क्या मिला, ये तो सबको मिला, तो दोस्तों अगर आम आदमी पार्टी नहीं आई तो ये जो सबको मिला सारा ही खत्म हो जाएगा। फिर ये 200, गलत तो नहीं कह रहा जी, ये 200 यूनिट भी गई, 24 घंटे बिजली भी गई, मुफ्त पानी भी गया, सबका गया। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर आज ये जो उम्मीद पैदा हुई है, ये उम्मीद मर जाएगी दोस्तों। 70 साल के बाद आज भारत के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई है कि यार कुछ हो तो सकता है, ये चीज बदल तो सकती है। तो दोस्तों अब अपने को सबको, आज मैं ये देख रहा था दिल्ली में जिस आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, आज कुछ भी कहो वो हमारा वॉलंटियर बन चुका है दिल से, है कि नहीं है। जिस आदमी ने अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराया है, आज कुछ भी कहो वो मन से शीश तो देता है हमको, यार काम तो इन्होंने अच्छा करा। आज जो भी तीर्थ यात्रा पे होके आए हैं वो सारे आपके कट्टर वॉलंटियर बन चुके हैं। आज जिन जिन लोगों की गलियां बन गई, नालियां बन गई, पीने का पानी आ गया इतने लोगों का, वो सब लोग आपके वॉलंटियर बन चुके हैं। इन सारे वॉलंटियर्स को एक डोर में पिरोना है अब अपने को मिलके, सबको इकट्ठा करना है, सारे तैयार बैठे हैं। आप एक बार इस सबके बीच में निकल जाओ और इन सबको वॉलंटियर्स को डोर में पिरोने का काम करना है। मेरे पास अभी एक आरएसएस का बंदा आया, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, बोला जी मैं हूं तो आरएसएस का, लेकिन दिल्ली में तो मैं आपको वोट दूंगा। गलत तो नहीं कह रहा, कितने बीजेपी आरएसएस वाले आपको मिलेंगे जो आज दिल से आपके काम की तारीफ करते हैं, करते नहीं करते? और कितने बीजेपी आरएसएस वाले कहते जी वो चुनाव दूसरा था लेकिन दिल्ली के अंदर तो हम आपको वोट देंगे। तो दोस्तों अभी मेरे को बहुत खुशी है कि केवल देश नहीं दुनिया के अंदर अपना नाम हो रहा है। अभी मेरे को डेनमार्क जाना था, अपने अखबारों में पढ़ा होगा C40, 98 देशों का एक कार्यक्रम था डेनमार्क में। तो हमने दिल्ली में पोल्यूशन 25% कम कर दिया, तो वो 98 देशों का जो कार्यक्रम था उन लोगों ने मेरे को बुलाया, बोले जी आके बताओ आप लोगों ने क्या क्या करा, ये पोल्यूशन कैसे कम करा, ये ऑड इवन क्या होता है, आपने कैसे ऑड इवन करा। उन्होंने बुलाया मेरे को, इन्होंने जाने नहीं दिया। लेकिन मेरे को ज्यादा खुशी इस बात की हुई जब इन्होंने मेरे को जाने नहीं दिया तो वो मेरे पीछे पड़ गए, बोले जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही बता दो आप, चाहे नहीं आने दे रहे कोई बात नहीं। ये इज्जत है आप लोगों की पूरी दुनिया के अंदर, ये इज्जत है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पूरी दुनिया के अंदर। ये केजरीवाल की इज्जत नहीं है, ये आपकी इज्जत है, आपकी मेहनत की इज्जत है, आपकी खून पसीने की कमाई की इज्जत, यही कमाई है अपने पास। और पैसे थोड़ी कमाए आपने, पिछले महीने मनीष सिसोदिया जी को मॉस्को बुलाया उन्होंने, वहां भी 100-125 देशों की पूरी दुनिया के शिक्षा मंत्री आए हुए थे। मनीष सिसोदिया जी को बुलाया, भाई आप आके बताओ आपने सरकारी स्कूलों में इतना शानदार काम किया, इन्होंने जाने नहीं दिया। ना जाने दें, चर्चा तो हो रही है पूरी दुनिया में, उनकी चर्चा नहीं हो रही। जब मेरे को जाने नहीं दिया तो मैं देख रहा था एक इनके नेता खड़े होके बोले केजरीवाल क्यों जा रहा है, ये तो मेयर की कॉन्फ्रेंस है। तो भैया तुम्हारे मेयर को बुला ही नहीं रहे, हम क्या करें, वो बुलाई हमको रहे। अरे पूरी दुनिया को पता चल गया बीजेपी कैसी पार्टी है, वो तुमको नहीं बुलाते, एमसीडी वालों को नहीं बुलाते, वो हमको ही बुलाते हैं। अभी पिछले साल सतेंद्र जैन को बुलाया ऑस्ट्रेलिया में,
बोले जी मोहल्ला क्लिनिक क्या है, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है मोहल्ला क्लिनिक की। नीदरलैंड्स की प्राइम मिनिस्टर मोहल्ला क्लिनिक देखने आई अपना, यूएन के सेक्रेटरी जनरल प्राइम ने हमारे मोहल्ला क्लिनिक, तो ऑस्ट्रेलिया बुलाया, इन्होंने जाने नहीं दिया, ना जाने दो हमारे को क्या, चर्चा तो हमारी हो रही है पूरी दुनिया में, चर्चा तुम्हारी नहीं हो रही, चर्चे तो पूरी दुनिया में हमारे हो रहे, ना जान दो, और जब नहीं जान देते तो चर्चे और होते हैं हमारे। दोस्तों अब तीन महीने बाद चुनाव है, अब अगली लड़ाई है, अब दोबारा मां भारती पुकार रही है आप लोगों को, ये चुनाव केजरीवाल के लिए मत लड़ना, ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए मत लड़ना, ये चुनाव ये सोच के लड़ना कि आप देश की आजादी के लिए लड़ रहे हो। आज आप देख रहे हो पूरे देश के अंदर क्या माहौल है, इस माहौल के अंदर केवल एक ही आशा की किरण है, वो है आम आदमी पार्टी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोग तैयार है अगले तीन महीने के अंदर अपना तन मन, झूठ मत बोलना मेरे से, आज से जो जो लोग छुट्टी लेने को तैयार हैं, और ये जितने लड़ाई झगड़े पंचायत इसको छोड़ दो अभी थोड़े, मेरी बेटी एक कंपनी में काम करती है, मल्टीनेशनल कंपनी में, पिछले साल उसने पढ़ाई पूरी करी थी, उसने अभी 5 महीने की छुट्टी ले ली, मेरी विधानसभा में घूम रही है, तो किसी ने पूछा बेटा तेरे को क्या जरूरत है, तेरे पापा तो जीत ही जाएंगे, बोली मैं अपने पापा के लिए नहीं आई, मेरे लिए ये आज की दूसरी लड़ाई को आगे बढ़ाना है। मेरा एक ही वादा मैं कर रहा हूं आप लोगों से, जो आप तन मन धन इतना आप लोग ने उछावर कर रहे हो, आपसे एक ही वादा है, जब तक जिंदा हूं तब तक आपको कहीं बेईमानी सुनाई नहीं देगी, ना पार्टी के अंदर ना सरकार के अंदर, पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, मेरी ईमानदारी की गारंटी है, और दूसरा ऐसे ऐसे काम करेंगे जिससे आपका सीना चौड़ा होगा और आपका सर ऊंचा होगा और मां भारती का सर ऊंचा होगा, भारत